दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लेटेस्ट होम लोन का इंटरेस्ट रेट यानी कि अक्टूबर 2024 के लिए अपने होम लोन का इंटरेस्ट रेट जारी कर दिया है। तो अगर आप भी इस महीने अपने होम लोन लेना चाहते हैं या फिर लोन करने के प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज हुआ था, यानी कि लास्ट टाइम अपडेट हुआ था दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, ये लास्ट टाइम पे अपडेट हुआ था दोस्तों फ्राइडे 12/7/2024, इस डेट में ये अपडेट हुआ था दोस्तों। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो लेटेस्ट होम लोन के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको दोस्तों अभी के हिसाब से 8.5% का इंटरेस्ट गिर जाएगा। ये 8.5 से 9.65 के बीच में आता है दोस्तों। अगर आप मैक्स गेन लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा ज़्यादा होकर 8.7 से 9.85 के बीच में आता है। ट्राइबल प्लस होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8.6 से 9.55 के बीच में है। टॉप अप लोन 8.8 से 11.3 के बीच में आता है दोस्तों। ये अच्छा खासा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। फिर टॉप अप अगर आप ओडी लोन लेते हैं तो 9 से 9.95 के बीच में है। प्री अप्रूव्ड लोन लेते हैं तो दोस्तों ये 10 से 11.3 के बीच में आता है दोस्तों। फिर अगर आप मॉर्गेज लोन लेते हैं तो 11.5 के बीच में आता, 11.55 इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है दोस्तों। फिर इंस्टा होम टॉप अप लोन का 9.35 आता है दोस्तों। दोस्तों ये जो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन आ रहा है ये डिपेंड करता है दोस्तों आपका सिबिल स्कोर के ऊपर। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपका उतना ईजिली आपको होम लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल होम लोन लेते हैं तो कम से कम आपको 8.5% का इंटरेस्ट देना ही देना होगा। तो अगर आपका सिबिल स्कोर दोस्तों 750 से ऊपर है, 750 से ऊपर वाले सिबिल स्कोर वालों को होम लोन आपको 8.5% से आराम से मिल जाता है दोस्तों। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 के आसपास है तो ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। सिबिल स्कोर को किस तरह से बढ़ाना है इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक एग्जांपल के माध्यम से ये समझते हैं कि अगर आप 8.5% से होम लोन लेते हैं तो उसी लोन को मान लीजिए, अगर आप 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं और उसका टेन्योर रखते हैं 20 साल, यानी कि 20 लाख रुपए का होम लोन आप 20 साल के लिए टेन्योर लेते हैं तो इस केस में आपकी ईएमआई कितनी आएगी, उसी के साथ साथ 20 साल के अंदर आपको बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे लोन का अमाउंट। तो मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए का लोन लेना है तो सबसे पहले हम, मैंने यहाँ पे 20 लाख रुपए डाल दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि हम मान के चलते हैं कि आपका सिबिल स्कोर 800 के आसपास है तो उस केस में आपको 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन मिल जाएगा। फिर आता है दोस्तों टेन्योर, यानी कि आपको कितने साल के लिए होम लोन लेना है। मान लीजिए आप 20 साल का प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डाल देंगे। तो 20 लाख रुपए का लोन 8.5% के हिसाब से अगर आप 20 साल के लिए लेना चाहें तो आपकी सैलरी लगभग 40 से 45,000 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा दोस्तों। फिर आपकी जो ईएमआई है लगभग वो 17,500 के आसपास आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है, 20 साल में आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे 21,36,253 रुपीज़, और कुल मिला के आप बैंक को लौटाएंगे दोस्तों 41,36,253 रुपीज़। यानी कि जितना आप लोन ले रहे हैं 20 साल में उसका 2 गुना पैसा आप बैंक को लौटाएंगे दोस्तों। देखिए हम इसको एक बार समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप पहले महीने में से शुरू कर रहे हैं, ये आपकी ईएमआई है 17,356 रुपये। यहाँ पे दोस्तों ये 20 लाख का 2 डिवीज़न हो जाता है। ये अमाउंट है आपका प्रिंसिपल, यानी कि जो आपने बैंक से पैसा लिया था, और ये है वो अमाउंट है जो आप बैंक को इंटरेस्ट के तौर पे देंगे। तो कुल मिला के आता है दोस्तों, ये आपकी ईएमआई 17,356 रुपये हर महीने आ जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम नीचे नीचे जाएंगे तो 20 साल का मतलब होता है दोस्तों 240 महीने। देखिए एग्जैक्टली 240 महीने में आपका ये जीरो हो जा रहा है दोस्तों। पर क्योंकि आप हमारे व्यूअर हैं तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हम आपको एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट
ये वाला इंटरेस्ट के ऊपर इसको कम से कम 40-50% तक कम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम इस एक्सेल सीट में दो ऑप्शन को अनलॉक करेंगे। देखिए पहला जो ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। अब ये एक्स्ट्रा ईएमआई होता क्या है, चलिए इसको एक बार में समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लोन और इंटरेस्ट के जाऊँ तो देखिए ये जो 20 लाख है आपने ये बैंक से लिया था, जब भी आप ये 17,356 का ईएमआई देते हैं, देखिए पहले महीने में आप ये 20 लाख में से सिर्फ 3,190 रुपये बैंक को आप इसको चुका रहे हैं, पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को 14,116 रुपीज़। दूसरे महीने में आपका ये 2 ईयर्स लोन है थोड़ा बढ़ के 3,190 से 3,212 रुपये हो जाता है, और 2 ईयर इंटरेस्ट ये 14,144 2 ईयर थोड़ा सा घट जाता है दोस्तों। यानी कि ये वाला जो लोन अमाउंट है ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है दोस्तों ये वाला ये धीरे धीरे घटता रहता है, और आखिर में आपका लोन हमेशा के लिए यहाँ पे आप चुका देते हैं, और इसके लिए इस केस में लगेगा 20 साल। तो अगर हम स्टार्टिंग के दिनों में ही ये वाला 2 ईयर्स लोन जो है इसको पे कर दें तो आप इंटरेस्ट अपने आप ही घट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मैं आपको ग्राफ से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ये जो दोस्तों इंटरेस्ट का है, यानी कि स्टार्टिंग के दिनों में आप इंटरेस्ट धीरे धीरे घट रहा है। अब ये जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हैं ये होता है दोस्तों 2 ईयर्स आपका प्रिंसिपल, यानी कि जो आपने बैंक से लिया है। तो स्टार्टिंग के दिनों में आप ये प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं बैंक को, और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आप जितना ज़्यादा लेंगे इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम स्टार्टिंग के दिनों में ही साल में 1-2 एक्स्ट्रा ईएमआई दे देंगे तो इंटरेस्ट अपने आप घट जाएगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट करके समझते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम आ गए हैं दोस्तों पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर, यानी कि हर साल आप जो 12 ईएमआई दे रहे थे 12 ईएमआई के जगह पे 13 ईएमआई देंगे। ये जो आप एक्स्ट्रा ईएमआई देंगे ये पूरा का पूरा 2 ईयर्स लोन की तरफ जाता है दोस्तों। आप अगर चाहें तो अपने बैंक को जाके उनसे बात करके ये वाला एक्स्ट्रा ईएमआई दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले से बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो एक्स्ट्रा ईएमआई है वो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, आपको मैन्युअली बैंक के ब्रांच में जाना होगा और उनको बोलना होगा कि मुझे एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना है, तभी आप उसको पे कर पाएंगे। पर दोस्तों बैंक वाले आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए देखिए आप हर साल सिर्फ 1 ईएमआई एक्स्ट्रा दे देते हैं, 1 ईएमआई, तो देखिए अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा। अब बस ये येलो जो बॉक्स है उसको देखिए दोस्तों, पहले के केस में जो आप 21,65,552 रुपये दे रहे थे, अब देखिए बूम 21 लाख का 17 लाख हो गया दोस्तों, यानी कि आपने सिर्फ स्ट्रेट 4 लाख रुपये बचा दिया। उतना ही नहीं दोस्तों, पहले की केस में जब आपने 20 साल लगा रहे थे अपने होम लोन को कंप्लीट करने में, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया दोस्तों, ये नेगेटिव आ गया, यानी कि आपका होम लोन कंप्लीट हो चुका है। देखिए 197, यानी कि दोस्तों आपने 43 मंथ होता है दोस्तों लगभग साढ़े तीन साल पहले ही आपने होम लोन को आपने ख़त्म कर दिया, यानी कि 16 साल 6 महीने के आसपास में। अब देखिए अगर हम यहाँ पे और एक ऑप्शन की तरफ जाते हैं, हाइक ईएमआई परसेंटेज एवरी ईयर। देखिए अगर आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 45,000 है, तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले 20 साल तक आपको 45,000 ही सैलरी मिलेगी, हर साल आपका 2,000, 3,000, 5,000 कुछ इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे अगर आप अपनी जो ईएमआई पे कर रहे हैं इसको सालाना सिर्फ 5% से बढ़ा देते हैं, सिर्फ 5%, ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 5%। तो देखिए इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, देखिए पहले हमने पे कर रहे थे लगभग 21,60,000 के आसपास, उसको हमने घटा के 17 लाख कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए बूम 12,28,000 रुपये। तो क्या इसका इम्पैक्ट अब यहाँ पे टाइम पे भी गिरेगा, चलिए हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो देखिए ये हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आपने अपना होम लोन को कंप्लीट कर दिया 134 महीने में दोस्तों, यानी कि जो लोन को आप 240 महीने में कंप्लीट करने वाले थे उसी लोन को आपने 134 महीने में कंप्लीट कर दिया। उसी के साथ साथ दोस्तों आपने अपने होम लोन के इंटरेस्ट पे लगभग
यहाँ पे दोस्तों 10 लाख रुपए सेव किया है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके होम लोन ले तो दोस्तों बहुत ही कम टाइम पे आप 20 साल के होम लोन को लगभग 10 से 11 साल में चुका सकते हैं। और दोस्तों आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी लगभग 8-10 लाख रुपए आराम से सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाले एक्सेल सीट चाहिए दोस्तों तो नीचे आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम के ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप हमें छोटा सा मैसेज भेजिए कि एक्सेल सीट बोल के, हम आपको एक्सेल सीट प्रोवाइड कर देंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।